बैक टू आवर चैनल कपूर इंस्टीट्यूट और स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। फन व्लॉग होने वाला है तो एंड तक देखना ज़रूर ना भूलिएगा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है हमारे घर के हालात, क्या है मेरे पापा के हालात, क्या है मेरे हालात, हम आयुष के हालात, ये देखिए, और मम्मी के क्या हालात। मम्मी हालात करवाती है, गुजारती है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, आज मैं बहुत बोर हो रही थी, आज मेरी है कॉलेज की छुट्टी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपका दिमाग खाऊंगी, आपसे चिट चैट करूंगी। तो आज मैं आपको हमारी फैमिली के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी नई और इंटरेस्टिंग है। तो अभी हो रहा है लंच टाइम और मम्मा कुछ छोले का कुछ बना रही है, छोले आलू, आई डोंट नो, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा। तो मैं बता रही हूँ कि मम्मी ने मुझे आज सुबह सुबह एक चीज़ बताई, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि हम जैसे घर में खाना बनाने से पहले डिस्कस होता है ना कि क्या खाया जाए, मम्मी पूछती नहीं है मगर पूछती है मगर बनाती वही है जो बनाना होता है। जैसे उन्होंने हमने कह दिया पनीर, अब पनीर बिल्कुल नहीं बनेगा, अब वो बनेगा जो किचन में पड़ा होगा ऑलरेडी, जैसे आलू प्याज पड़े हुए हैं या मटर पड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ें वही यूज़ करके मम्मा बनाएंगी। ठीक है, तो चलती मम्मा की है मगर फिर भी वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेती है कि क्या क्या बनाए। तो वैसे तो आज तक मम्मी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बच्चों क्या खाने का मन है, ये नहीं पूछा, क्या क्या पड़ा हुआ है और क्या उससे बन सकता है। और पापा तो है हमारे भोले भंडारी, वो सब कुछ खा लेते हैं जो मम्मी बना दे, उनकी फरमाइशें भी वही है जो मम्मी के हित में है, अपने हित में है, मम्मी के हित में। तो पहले तो दादी बोलती थी कि शादी से पहले, कि पापा की जब शादी नहीं हुई थी तब दादी बोलती थी कि ये तो सिर्फ जीरे वाले आलू और लाल पीली दाल ही खाते हैं, मगर फिर हुई शादी और फिर आई बीवी और बीवी के राज में पापा जी ने सब कुछ खाना सीख लिया और अब एक भी सब्जी ऐसी नहीं बची है जो पापा ना खाते हो शौक से। हाँ, शौक से नहीं भी खाते तब भी ऐसे दिखाते हैं कि बड़ा शौक आ रहा है उनको। तो आज हमारे घर में बने हैं छोले और टिंडे, टिंडे बने हैं आज हमारे घर में, जो कि पापा को पसंद है, मम्मी को पसंद है और हमें भी पसंद ही है। तो चलिए पापा से बात करते। पापा, दादी कहा करती थी कि आपको जीरे वाले आलू और दाल के अलावा कुछ पसंद नहीं है, आपको दादी के हाथ का क्या पसंद है सबसे अच्छा? बेटा, दादी जीरे वाले आलू इतने बढ़िया बनाती थी ना, आज भी वो टेस्ट याद है उनके जाने के बाद भी। मम्मी को मत बोल रहे, वो तो खाना पड़ेगा जो मम्मी बनाएगी। वो तो कोई बात नहीं। अरे यार पापा, यू आर सो क्यूट। और ये है आयुष कपूर, क्या कर रहे हैं आयुष आप? पढ़ाई। ये पढ़ाई के नाम पे सिर्फ नेटफ्लिक्स देखता है और जब कोई आता है रूम में तो ये लगा लेता है ना, हंस रहा है। तो गाइस ये देखिए क्या कर रही है हमारी मम्मी ने, वाइट वॉश ना करवा, प्रोक्रेस्टिनेट होता रहता है तो वो ना करवाने के लिए मम्मी ये रोज़ अमेजोन से कोई ना कोई ये वॉलपेपर ले आती है और ये कहीं पे भी चिपका देती है, ना मैच हो रहा है, ना पैटर्न मैच किया है, ना कुछ किया, मगर चिपका दी है ये। तो चलो फिर भी अच्छा लग रहा है फिनिशिंग में, मगर ये क्या है? तो हमारी मम्मी है थोड़ी अतरंगी, ये सब करती रहती है वो चीज़ें। तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास, अब क्या तरंगी चीज कर रही है। मम्मा क्या बना रहे हो आज लंच में? तूने बोला था जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन खाना मैं बनाऊंगी। अरे यार टिंडे मैं नहीं बना सकती, जीरा वाले आलू या कुछ भी बोल दो, टिंडे मैं खाती। जीरा वाले आलू बना लो, जीरा वाली दाल बना लो, बस जीरे के पीछे पड़ जाओ सारे के सारे। तो मैं खाती इतनी मुश्किल से हूँ, टिंडे बनाने की तो बात ही दूर की है। अब जब बनेंगे टिंडे तब तो बोलेगी टिंडे अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, खा तो सब लेती हूँ मैं, मगर फिर भी आप जो बनाते हो वो मेरे हाथ में थोड़ा है, मैजिक, मॉम्स मैजिक। तो गाइस हम बना रहे हैं आज टिंडे, घी नहीं मिल रहा, ये रहा मिल गया, तो अब हम लगा रहे हैं दाल को तड़का। अच्छा, दाल भी बनाई है और टिंडे भी बनाए। दोपहर के लंच में बन रहे टिंडे और मूंगफली दाल, काले मसूर की दाल। ओहो वाह, शानदार लग रहा है।
हाँ बताओ ऐसे बना सकती हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो कोशिश क्यों नहीं, रोज देखती है मैं कैसे बनाती हूँ, फिर भी नहीं बना सकती। टिंडे में कोशिश नहीं करनी होती ना, पापा को आपके अच्छे हाथ के लगते हैं। ये तो पापा ने भी मेरे को दुखी कर रखा, तेरी हाथ की सब्जी थी, तेरे हाथ के फ्लेवर अच्छी लगती। तो गाइस मम्मा ने मक्खन भी निकाल लिया, मम्मा ने आटा भी गूंद लिया वहां पे, मम्मा ने सब्जी भी बना ली, दाल भी बना ली, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाया था, पूरे घर की सफाई भी की थी। तो आप देख रहे हैं कितनी सुपर पावर, सुपर वुमेन है मम्मा, सुपर पावर है उनमें, जो इतने सारे काम एक साथ कर लेती है। जितनी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो सब ये काम करती हैं, उसके बाद घर के काम भी करती है, बच्चों को भी देखती है, पति को भी देखती है, रिश्तेदारी को भी देखती है और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई भी आके किसी लेडी को कमेंट करता है कि जाओ अपना घर का काम करो, आराम करो, ये करो वो करो। तो आप उन लोगों को अप्रिशिएट करो कि वो किस तरह से सारी चीजें मैनेज करके खुद को अपने परिवार को फेमस करने के लिए कोशिश कर रही है, कुछ करना चाहती हैं, तो उनको आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। थैंक यू बेटा। तो गाइस ये जो तड़का है ना, ये गाइस मेन है हर रेसिपी में। जो जो आप मुझसे पूछते हैं आपका वेट लॉस कैसे हुआ, तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है मेरे वेट लॉस में। हर चीज में कुछ ऐसा स्पेशल तड़का जिससे हेल्थ का तड़का अलग होता है। अच्छा तो जो भी है, हर चीज के तड़के में अलग अपनी खूबियां है, खूबियां है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, हेल्थ भी बनती है मेरी, मतलब फिट भी बनती हूँ और टेस्ट का टेस्ट भी हो जाता है। तो यही है मेरी मम्मी का कमाल, सबकी मम्मी का कमाल होता है, सबकी मम्मी का अपना तड़का होता है दस भरी रसोई का। आहा टमाटर भी सही ला। तो गाइस इतनी गर्मी हो रही है फिर भी मम्मा सलाद भी काटेगी, तड़का भी लगाई दाल को, क्या कहते हैं इसे, टिंडा ही तोरी है क्या था, टिंडे, टिंडे भी बनाए हैं, फुलके भी बनाएंगी, चावल भी बनाएंगी, रायता भी बनाएंगी, सब बनाएंगी। फुलके तू बनाएगी, फुलके तू बनाएगी, फुलके मैं बनाऊंगी। मेरा बस चले ना, मैं तो खिचड़ी बना के काम खत्म करूँ क्या इतना। मैं ऐसे ही बोलती थी शादी से पहले, पर बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना, ऐसे नहीं होता। ये लो जी साथ साथ में मक्खन, खाना बनाते वक्त साथ साथ मक्खन भी बनाने की तैयारी, खाना बनाते वक्त साथ साथ मक्खन बनाने की भी तैयारी हो रही है भाई। मैं बता रही हूँ सारी मम्मा ये मल्टी टैलेंट हो रही है। कौन सी पावर कहाँ, सुपर कौन सी सुपर पावर लाते हो, ये सारी सुपर वुमेन है ये सारी मम्मियाँ। जिम्मेवारियों की पावर है बेटा, नहीं तो हमारा भी काम करने का मन नहीं बस करता। मेलो ड्रामा शुरू, हमारा भी मन करता है ऐसे बड़े रहे। अनन्या दाल बना ले, चावल बना ले, सब्जी बना ले, ये बना ले, पर हम नहीं करते। मैंने किस्मत देखी, तेरे को तो खाना बनाने का शौक ही नहीं है। शौक की बात होती है, शौक की एक उसको आयुष को ऐसा शौक है कि वो रसोई पूरी गंदी कर देता है, उसको तो रसोई में बुलाने में भी डर लगता है। और अदिति वो है खाना अच्छा बनाती है बस, बाकी तू पता नहीं कब सीखेगी। जिस दिन तू सीख गई ना उस दिन मैं 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। 125 कितने होते हैं? इतने पैसों के लिए मैं क्यों मेहनत करूं, आगे सीआर लगाओ। तो गाइस मम्मी का काम हो चुका है, मैंने खाना परोस दिया है क्योंकि मम्मा भी थक जाती है, तो मम्मी का काम बनाने का है और मेरा ढंग से अच्छे से परोसने का है और आराम से बैठ के मम्मी पापा को डेट करने का है। हाँ हाँ हाँ, स्वाद आ गया, बहुत अच्छा खाना बनाया है ना, और लस्सी तो बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा थैंक यू जी। तो गाइस जो भी सीजन की वैरायटी आती है उसको एंजॉय करो, खरबूजा है, खीरा है, टिंडा है, सीजन की चीजें ये जो होती है ना, खाने में भी स्वाद और शरीर के लिए भी अच्छी। तो हमारी आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छे अच्छे करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें खूब सारा प्यार दो। गाइस खाना तो रोज खाते हैं, प्यार चाहिए प्यार।